हाय, मेरा नाम है शरद दाबड़ा और आप देख रहे हैं मेरा सोलो पॉडकास्ट आ स्टोरी। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अपनी लाइफ का चैप्टर नंबर 7, दी एसटी एकेडेमिया स्टोरी। एक कोट है जिसने मुझे हमेशा मेरे पैशन से जुड़े रखा। इट गोज लाइक, व्हेनेवर यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग अप, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। इसका मतलब ये कि जिंदगी में जब आप थक जाओ और चीजें आपके हिसाब से ना चलें, तो गिव अप नहीं करना है, बल्कि ये याद करना है वो वजह, वो जज्बा जिसकी वजह से सब शुरू किया था, फिर सब ठीक लगने लगेगा। हैप्पीज एंडिंग, और अगर ठीक ना हो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब सोचा दैट व्हाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी, तो सब क्लियर दिखने लगी वो सारी प्रॉब्लम्स जो मेरे जैसा हर वांट टू बी एन आर्टिस्ट फेस करता है। इंडिया में आर्ट करियर के लिए कॉलेजेस ही एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, जहां से आप आर्ट की एजुकेशन ले सकते हो। पर उन सबका क्या जो मेरी तरह लाइफ के डिफरेंट मोड पे, डिफरेंट पड़ाव पे अपने पैशन को रियलाइज करते हैं। मेरा मानना यह है कि आर्ट और आर्टिस्ट की कोई उम्र नहीं होती। कला तो जिंदगी में कभी भी दस्तक दे सकती है, फिर चाहे आप एक हाउसवाइफ हो या वर्किंग, डॉक्टर हो या एक इंटीरियर डिजाइनर, कला को सीखने का हक और कंफर्ट हमेशा ही मिलना चाहिए। और इस कंफर्ट और इस हक को आप सब तक पहुंचाने के लिए मैंने और रिधिमा ने इसकी डिजिटल नींव रखी इन द नेम ऑफ एसडी एकेडेमिया, जहां हमने ठान लिया था कि हम पहुंचाएंगे आर्ट एंड डिजाइन लर्निंग को पहले अपने देश और फिर दुनिया के कोने कोने तक विद न्यू एज सॉल्यूशंस, और क्रिएट करेंगे आर्टप्रेन्योर्स जो होंगे सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट, और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा में बोले तो आत्मनिर्भर बनने का। ये जर्नी आसान नहीं होने वाली थी, ये तो हमें पता था, पर अगर जज्बा और थोड़ा सा पागलपन हो तो क्या नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, रिस्क है तो रिस्क है। सच कहते हैं, जितना बड़ा जिम्मा उठाया उतनी ही बड़ी शुरुआत की। जो भी मेरी स्टार्टअप की सेविंग थी उसको एक न्यू स्टूडियो स्पेस लेने में लगा दिया, चंडीगढ़ सेक्टर 8 में। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस स्पेस का इनॉग्रेशन भी मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के वाइस चांसलर मैम ने किया, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि अगर आप सही रास्ते पे हैं और कुछ नया कर रहे हैं तो दुनिया आपके साथ है। इस स्टूडियो स्पेस से हमने शुरुआत किया अपना पहला ऑफलाइन सेंटर ऑफ लर्निंग, और इस सेंटर ऑफ लर्निंग को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हमने शुरू किए आर्ट टूर्स। आर्ट टूर में हमने प्लान किया टू कवर 36 सिटीज इन द फर्स्ट गो। हमने स्टार्ट किया लुधियाना से, फिर जलंधर, फिर अमृतसर, फिर पटियाला, पानीपत, करनाल, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, जयपुर, और हमने लगभग कवर कर लिए थे 16 शहर। लोगों को मिला और जाना कि कितनी कहानियां हैं जो सब तक पहुंचानी है। आर्टप्रेन्योरशिप का जज्बा अब फैल रहा था। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी तय हो चुका था, अहमदाबाद और फिर वडोदरा। बुकिंग्स भी हो चुकी थी। मैं इतना बड़ा फूडी हूं कि मैंने तो ये भी सोच लिया था कि ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर मैं कहां कहां खाऊंगा, सब फूड स्पॉट्स भी बुक हो चुके थे। पर फिर एक दस्तक हुई और सब रुक गया। वो दस्तक क्या थी ये बताऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि 2020 में मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि सब रोकना पड़ा, और जब ये दस्तक आपकी जिंदगी में आई तो आपने इसे कैसे फेस किया। एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड रीडिंग योर स्टोरीज इन द कॉमेंट सेक्शन। चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 के विनर्स हैव बीन अनाउंस्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो गो चेक इट आउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने दिल की आवाज़ सुने और अपने ड्रीम्स को फॉलो करें।